हेलो एवरीवन, ये हमारा एरर की वीडियोस है। टेंसेज का सेकंड लेक्चर है हमारा। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं, इसमें आपने बताना है कि ऑप्शन ए है या बी है। तो ये डिस्कस करेंगे हम। ही डैश टू मुजफ्फरपुर येस्टरडे, वो कल मुजफ्फरपुर गया। अब देखो, जब भी येस्टरडे लिखा मिले, हमने पढ़ा था एगो लिखा मिले, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर लिखा मिले, या कोई इन्वेंशन हो या कोई डिस्कवरी हो, अगर ये सब बातें होती हैं तो हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। तो येस्टरडे आ गया तो सेकंड फॉर्म लगेगी। आंसर इज ए। शी डैश डूइंग हर होमवर्क फॉर एन आवर, वो एक घंटे से काम कर रही है, तो लेंथ बन रही है। जब भी लेंथ बनती है तो बड़ी हेल्पिंग लगती है, तो हैज़ बीन लगेगा। थर्ड देखते हैं, आई शैल टीच यू इफ़ यू, तो ये फ्यूचर आ गया और हमें पता है फ्यूचर की प्रिंग किससे होती है, प्रेजेंट से होती है। तो आंसर ए आएगा। शी डैश टू सिनेमा एवरी संडे, वो हर संडे सिनेमा जाती है, तो ये रूटीन बन रहा है। रूटीन का मतलब क्या था, जब कोई काम बार बार होता है या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर आंसर आएगा शी गोज। माई ग्रैंड मदर डैश मी टोल्ड स्टोरी जस्ट नाउ, हमने रूट वर्ड्स पढ़े थे और हमने पढ़ा जब भी जस्ट नाउ लिखा मिलेगा तो थर्ड फॉर्म लगती होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा, हैज टोल्ड द राजधानी एक्सप्रेस डैश एंड आर एगो, जब भी एगो आएगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है ही फेल्ट दैट ही डैश रिजाइन द पोस्ट, जब भी दैट लिखा मिले तो आपने पीछे देखना है, अगर पीछे पास्ट पढ़ा हो तो आगे हमेशा पास्ट आता है, तो आंसर बन जाएगा वुड, विल नहीं बनेगा। नेक्स्ट है शी हैड गोन टू कॉलेज व्हेन आई डैश टू सी हर, हमें पता है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म पेयरिंग किससे होती है, हमेशा सेकंड फॉर्म से होती है, आंसर बी बन जाएगा। द बॉयज विल प्ले द हेड मास्टर अलाउज, तो फ्यूचर की पेयरिंग किससे बनेगी, प्रेजेंट से बनेगी, तो आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट है इट डैश रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन से बरसात हो रही है तो लेंथ बन रही है, जब लेंथ बनेगी तो बड़ी हेल्पिंग ऑफ हैज बीन रेनिंग। ही डैश विजिटेड अस लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आया था, जब भी लास्ट आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी। डे डैश लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आ गया तो सेकंड फॉर्म ए आ जाएगा आंसर। आई डैश लिविंग हेयर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते से यहाँ पर लेंथ बन रही तो हैव बीन लिविंग, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे डैश द स्टेशन, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, जब भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा तो पेरिंग किससे बनेगी, सेकेंड फॉर्म से बनेगी, तो आंसर इज रीच्ड। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई कम, तो फ्यूचर आ गया, फ्यूचर की पेरिंग किससे बनेगी, प्रेजेंट से बनेगी। वी डैश द लेटर येट, जब भी येट लिखा आता है तो हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म बनता होता है, सो आंसर बन जाएगा बी। अब आगे देखते हैं, आगे के फिल इन द ब्लैंक्स से एरर्स कौन कौन से हैं। देखो, आई डिड नॉट सी हिम सिंस वी डैश वी मेट अ ईयर एगो, हमें पता है कि सिंस के आगे अगर सेकेंड फॉर्म होती है तो पीछे क्या होता हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो आंसर बनेगा बी। वी वेंट टू सिनेमा, वेन वी वेंट टू सिनेमा द मूवी द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, जब हम सिनेमा गए तो पिक्चर पहले ही स्टार्ट हो गई थी, जो पहले काम खत्म हुआ था उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कोलंबस डैश अमेरिका, अब ये डिस्कवरी की बात हो रही है, कोई भी डिस्कवरी आ जाए या इन्वेंशन आ जाए सेकेंड फॉर्म में लिखी जाती है, सो आंसर है बी। वी डैश आर ब्रेकफास्ट एंड आर एगो, एक घंटा पहले ही हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था तो एगो लिखा आ गया तो सेकेंड फॉर्म बनेगी। ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट वॉज मूविंग, वो जंप से कूद गया जब वो चल रही थी, तो चल रही थी तो एक काम खत्म हो गया, एक काम चल रहा तो आईएनजी लगेगा। बाय दिस टाइम टुमोरो ही डैश होम, जब भी फ्यूचर का टाइम आए और इसके पहले बाय लिखा मिले तो हमेशा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, सो आंसर इज बी। हियर आर योर शूज, ये लीजिए तुम्हारे जूते, आई जस्ट हैव क्लीन डैम, जब भी जस्ट लिखा आ रहा तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो आंसर आएगा बी। द सर्वेंट हैड फिनिश्ड हिज वर्क, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पेयरिंग किस होगी, सेकंड फॉर्म से होगी। फाइव ईयर्स हैव पास्ड सिंस, सिंस के बाद क्या लगता है, हमेशा सेकंड फॉर्म लगती होती है, थर्ड फॉर्म नहीं लगती होती। ये हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, अब आगे और हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, शी डैश टू शी डज नॉट राइट टू मी फॉर 2 वीक्स, अब हिंदी क्या बनेगी, उसने मुझे 2 महीने से खत नहीं लिखा है, 2 हफ्ते से, तो जब लेंथ बन रही तो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, डज नॉट तो रूटीन बन गया, तो क्या लिखा जाएगा, शी हैज नॉट रिटर्न टू मी, रिटर्न ये लिखा जाएगा। विकास हैज बिन ईटिंग एप्पल सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, सिंस के बाद हमेशा क्या आता है, पास्ट आता होता है, हमने पढ़ रखी है वाली बात। नेक्स्ट है जब भी येट आ जाएगा तो थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यू हैव नॉट सीन द गवर्नर येट लिखा जाएगा, जब येट लिखा जाएगा तो थर्ड फॉर्म बनते सीन आएगा और हैव नॉट आ जाएगा और येट बाहर आएगा। ही इज अवे फ्रॉम स्कूल सिंस अगस्त लास्ट, वो अगस्त लास्ट से, पिछले अगस्त से स्कूल से दूर है, तो यहाँ पर एक तरह की मतलब कि समय बीता हुआ दिख रहा है काफी, तो जब भी समय आ जाएगा तो बड़ी हेल्पिंग हो लगेगी, तो इज नहीं आएगा, हैज बीन आ जाएगा। ही हैज बीन अवे फ्रॉम स्कूल सिंस अगस्त लास्ट,
ही सेड दैट द कॉलेज वॉज क्लोज सिंस लास्ट फ्राइडे, उसने कहा कि कॉलेज बंद था पिछले शुक्रवार से। तो यहाँ पर टाइम आ रहा है, जब टाइम आ जाएगा तो बड़ी हेल्पिंग लगेगी, तो वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड बीन आएगा। फोर आवर्स हैव पास्ड सिंस ही फेल एस्लीप, क्या आएगा, सिंस के बाद सेकेंड फॉर्म लगती होती है। एट ईयर्स हैव पास्ड सिंस, अरे वो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म तो आगे आ गए लेकिन पीछे हैज है बताना चाहिए, तो एट ईयर्स हैव पास्ट आएगा। टू मंथ्स हैव पास सिंस के बाद सेकेंड फॉर्म लगती होती है, हैव कम नहीं आएगा, आई केम आएगा, सिंस आई केम हियर। आगे देखते हैं, शी इज लॉन्ग नोन टू मी, वो मुझे लंबे समय से जानती है, तो यहाँ पे लंबा समय आ रहा है इसलिए क्या लिखा जाएगा, हैज बीन लिखा जाएगा। माई फादर विल रीच बाय दिस टाइम टुमारो, देखो फ्यूचर टाइम आ गया, पीछे बाय आ गया, तो विल रीच नहीं आएगा, विल हैव रीच्ड आएगा। जब भी फ्यूचर टाइम के पहले बाय लिखा मिले तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म बनता होता है। आई एम सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन एग्जाम, ठीक है ना, जो फेल हो गए हैं। तो प्रेजेंट देखो, आई एम सॉरी प्रेजेंट में है तो इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट आना पड़ेगा, हु हैव फेल्ड इन द एग्जाम, ही विल कम वेन ही विल बी रेडी। हमें पता है कि दो फ्यूचर कभी साथ नहीं आ सकते, तो जो कंजंक्शन के बाद वाला फ्यूचर होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वेन ही इज रेडी बन जाएगा। शी विल राइट एज सुन एज शी विल अराइव, तो यहाँ पर एज सुन एज क्या है, कंजंक्शन है, तो विल शी अराइव्स लिखा जाएगा, एज सुन एज शी अराइव्स। इट इज टाइम यू वेंट होम आएगा, हमें पता है कि अगर इट इज़ टाइम लिखा है, इट इज़ हाई टाइम लिखा है, तो इसका सेकंड फॉर्म बनती होती है, तो यू वेंट होम आएगा या वही प्लेड क्रिकेट आएगा, ठीक है ना। ही ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यानी कि तुम अक्सर सवाल वगैरह पूछते हो, तो अक्सर यानी कि रूटीन की बात हो रही है, जब रूटीन होगा तो क्या लगेगा, या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ फॉर्म, ही ऑफन आस्क्स आ जाएगा, ही ऑफन आस्क्स। ही वाज बोर्न इन इंडिया, पैदा तो वो हो चुके तो पास्ट है, ठीक है ना। शी हैज़ बीन बोर्न नहीं आएगा, शी वाज बोर्न इन अ टाउन। इफ़ आई वर, इफ के बाद अगर आई है तो वर लगता होता है। आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, जब भी जस्ट नाउ आएगा तो हमें पता है कीवर्ड आई है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, तो थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा हेल्पिंग अप लगता होता है, तो आई हैव आएगा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, ही वॉज इल फॉर टू डेज, अरे वो दो दिन से बीमार था, तो लेंथ आ रही है तो वॉज नहीं आएगा, ही हैड बीन इल आएगा, क्या आएगा, He had been ill. They come here a month ago. Ago जब आ जाएगा तो second form लगेगी, तो क्या आएगा, came आएगा। She watches television now. जब now आएगा तो काम चल रहा है तो ing लगता होता है, तो क्या आएगा, She is watching television now. क्या आएगा, She is watching television now. The great former had died in 1948. अब यहाँ पे time आ गया, जब time आता होता तो second form बनती होती है, तो had नहीं आएगा, died आएगा। वी शेल सर्व यू इफ यू विल कम, दो फ्यूचर आ गए, हमें पता है दो फ्यूचर साथ नहीं आ सकते, कंजंक्शन के बाद वाला फ्यूचर क्या है, खत्म हो जाएगा। तो ये हमने कुछ टेंसेस का सेकेंड वीडियो प्रैक्टिस किया एरर्स की, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।